नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलमन 2.0 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास 8 यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में, जिसका सवाल नंबर आप देख ही सकते हैं। मुझे याद नहीं कौन सा है सवाल नंबर, बट ये लिखा है, ये आपके उसमें ज़रूर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख ही सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें सवाल दिया हुआ है, ये 1 - sin θ, 1 + sin θ, और ये कर्णे, और हमको ये प्रूफ करना है यानी कि सिद्ध करना है sec θ - tan θ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, तो हमको यहाँ सबसे पहले सॉल्व लिख के, ये टू पार्ट्स होते हैं LHS और RHS, तो सबसे पहले हमको LHS लेना है यहाँ पर, और इसको नोट कर लेना है LHS पार्ट्स को, यानी कि ये कर्णी लगाकर 1 - sin θ बटे 1 + sin θ, इस वाली रेखा को बटे भी बोलते हैं, अपॉन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये नोट कर लिया जैसे का तैसा। और फ्रेंड्स, ये एक तरह से भिन्न होती है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, इसमें हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि ये नीचे वाली संख्या जो आप देख ही सकते हैं 1 + sin θ, इसका हमें इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा इस लंबा कर लेंगे, और ये 1 + sin θ है, तो इसका अपोजिट करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 - sin θ और 1 - sin θ, यानी ये इसका अपोजिट कर लिया यानी माइनस कर लिया, और इनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये गुणा कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते जाना बड़े ध्यान से, कॉपी पेन लेके नोट भी करते जाना। इसके बाद फ्रेंड्स, हम देख ही सकते हैं ये ऊपर माइनस माइनस यानी दो बार लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा कर्णी लगा लेंगे सबसे पहले, और ये दो बार लिखा तो 1 - sin θ का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बटे में ये मन का स्क्वायर एक ही होता है, -sin²θ, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ से a² - b² का जो फॉर्मूला बनता है वो ही यहाँ बन गया, यानी a - b = और a + b = तो फ्रेंड्स, ये हमारा a है और ये b है, इसी हिसाब से हमने यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप नेक्स्ट स्टेप आप देखते जाना फ्रेंड्स, क्या करना है हमें, ये आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ जैस ऊपर का हम जैसी का तैसा रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 - sin θ का होल स्क्वायर, और नीचे फ्रेंड्स हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर cos²θ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स sin²θ + cos²θ = 1 होता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम, आप देखोगे इसको हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, cos²θ = 1 - sin²θ, ऐसा हो जाता है। तो वही फ्रेंड्स हमने यहाँ से ये कर लिया, यानी 1 - sin²θ की जगह आपने cos²θ लिख लिया। आप समझते जाना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, कि हम इसके और इससे इस कर्णी को हम काट देंगे। ठीक है, यानी कि 1 - sin θ रह जाएगा नीचे, और cos θ रह जाएगा नीचे, यानी कि इससे और इससे ये कर्णी कट जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रह गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्या करना है, ये इस कॉस थीटा को हमें दोनों के नीचे अलग अलग लिख देना है, यानी वन अपॉन कॉस थीटा, हाँ ऐसे सॉरी आपको देखने जाता, यानी इन दोनों के नीचे हमें अलग अलग कर देना है, वन अपॉन कॉस थीटा और माइनस लगा के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख देना है हमको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, बस कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे वन अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाता है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर सेक थीटा लिख लेंगे और साइन बटे कॉस फ्रेंड्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है, तो हम यहाँ पर टेन थीटा रख लेंगे। ये फ्रेंड्स फॉर्मूले होते हैं जो आपको लिखना है। और यही फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया, ये आरएचएस आ गया है, यानी अब हमारा क्या, हमने अपन ने एलएचएस लिया था और आरएचएस आ गया है, यानी कि इति सिद्धम। यही फ्रेंड्स हमको प्रूफ करना था, एलएचएस बराबर आरएचएस। आप चाहो तो देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ सवाल। ये लिखा फ्रेंड्स हमारा, वन माइनस साइन थीटा से हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा करना था, और यही हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर लिया। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी, तो अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, थैंक यू।